बीज व्यंजक के जो होते हैं गुणनखंड कहिए, प्रमुख सूत्र कहिए, दुनियादारी जो सर्वसमिका कहिए, हर गणित में कोई सूत्र के नाम से जानिए सर्वसमिका कहते हैं कहीं इसी को, जैसे अभी हम लिखे हैं ना एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर लिखे हैं, यही आपका गणित में लिखा हुआ होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ये तोड़ के तुर के आते क्या है, जैसे आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कैसे हुआ इसको हम लोग जाने। जैसे ये बराबर आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैसे आते हैं इसमें, फिर इसको तोड़ने के बाद हम लोग को आता है एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, फिर इसको तोड़ने पर क्या आता है, ये सारे हम लोग देखेंगे, बस इतना ही और बात कुछ नहीं। सर्वसमिकाओं बनते कैसे हैं उसको बनाते कैसे, या अगर कोई दिया है, अब ये सर्वसमिका आया कहाँ से, इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबे क्लास है, उसमें देखने के बाद पता चले। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं वहां से कुछ आ रहा है, इसके बाद सिद्ध करना चाहेंगे कि ये कैसे आता है। इसको तोड़ के ये ला लेते हैं, ठीक है, इसको तोड़ के हम ये ला लेंगे, ठीक है, ये दोनों ला के अभी देखते हैं। चलिए ये वाला को उठा करके हम यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर, अगर ये होल स्क्वायर मतलब दो है, इसका मतलब इसको दो बार, जैसे दो का घात दो रहते हैं हम लोग दो गुने दो लिख लेते हैं, इसलिए x प्लस वाई का घात कितना है दो, और अभी हम लोग दो घात वाले सर्वसमिका, त्रिघातीय वाले सर्वसमिका नहीं पढ़ रहे हैं, दो घात वाले सर्वसमिका, तो इस पर विचार करते हैं, इसको भी हम लोग दो बार लिखेंगे, बराबर लिखेंगे एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई की हो गई, अब इन दोनों को गुना करें एक्स प्लस वाई, अब ये क्या है, ये एक्स से ये एक्स से ये सारे एक्स में गुना हो रहा है, फिर ये प्लस वाई से एक्स प्लस फिर इसमें गुना हो रहा है। अब हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे तो याद रहे कि बराबर कभी भी दोनों अंक जो होता है ना ये रेखाएं समांतर होना चाहिए और बराबर एक रंग होना। अब x x को गुना होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब कहिएगा ये एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, तो पढ़िए एक फार्मूला आठवीं गणित में पढ़े हुए कि एक के पावर m गुने एक के पावर n बराबर एक के पावर m जोड़ n, यानी घात आधार एक रंग, जब आधार एक रंग रहेगा तब घात जुड़ेगा, तो यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो एक एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दो ही ना, इसलिए यहाँ दो लिखा था, ये नहीं कि x x को गुना हो गया तो x स्क्वायर हो गया, या y y को गुना हो गया तो y स्क्वायर हो गया, या a का गुना हो गया तो a स्क्वायर, नहीं भाई a स्क्वायर हुआ कैसे वो समझना है हमें, तो ये हो गया ये फार्मूले के हिसाब से। अब चला देखो अब इसी से इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई, अब फिर इस अब ये प्लस वाई से इस एक्स में गुना होगा तो हो जाएगा फिर एक्स वाई, और वाई वाई को जब गुना होगा ना तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे टू एक्स वाई, इसके बाद लिखेंगे वाई स्क्वायर, ये हम लोग का फार्मूला आया, अर्थात क्या आया सोचिए एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ, परंतु इसको ऐसे करके घेर लीजिए अपने बुक में घेरना, ठीक। अब ये वाले को तोड़ के अब कहिएगा कि भाई इसको तोड़ के माने इसको तोड़ के हमें ये लाना है, तो इसको तोड़ के अब हम लोग ये ला के देखते हैं, सीखना है हम लोग सीखना है इसको तोड़ के ये लाना है, तो कैसे लिखेंगे देखते एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए इसी को टू एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जोड़ एक्स वाई दो बार जोड़ वाई स्क्वायर। अब जरा देखिए x है तो यहाँ x कॉमन लेंगे और इधर भी x है तो x x हो गया तो x ये x
इतने को कॉमन ले रहे हैं, इसमें से एक्स, तो यहाँ एक्स से जब गुना हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा, तो यहाँ वाई ले प्लस। अब हम इसमें देखिए वाई है दोनों तरफ, तो वाई को कॉमन ले, तो वाई अगर ले लिए निकाल लिए इसमें से भाग दे दिए, मतलब भाग दिए ये है, तो बच गया हम लोग को एक्स और प्लस वाई। ठीक, अब जरा देख लेते इसको, जैसे एक्स वाई है, अगर हम वाई से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कट गया, तो क्या बचा एक्स, वाई स्क्वायर है, वाई से डिवाइड करते इसे ये कट गया तो बच गया वाई, ऐसे ही वाई ये बचा। अब जरा देखते हैं, अब इसको इसको गुना कर दीजिए, एक्स गुना नहीं करना है, अब क्या करना है छोड़िए, ये और ये को लिख लेना है एक्स प्लस वाई, और हमारा गुणनखंड तब सही, लिख दिए ऊपर में गुणनखंड, इसलिए बता रहे हमारा गुणनखंड तब सही होगा जब ये बॉक्स के अंदर कॉमा के अंदर माइनस 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 प्लस प्लस भी समान हो, चिन्ह भी समान हो, और अंक भी, तो देखो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो इस दोनों में से एक, ये दोनों में से एक हम लिख लेंगे, जब दो हो गया तो इसको ऐसे कर लेंगे, हो गया प्रूफ, यही है ए प्लस बी के होल स्क्वायर को प्रूफ जिसे हम लोग कहते हैं, यही सब समय का फर्स्ट है जो आपको शायद नाइन गणित में मिलता होगा, लेकिन हम नाइन गणित के उद्देश्य से नहीं पढ़ा रहे हैं, कि आप लोग को सीखने के उद्देश्य से पढ़ा रहे, कोई भी विद्यार्थी सीख, ये समझ गए। अब चलो, अब हम इसको देखते हैं, ये वाले सेकेंड वाले एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर बराबर करके इसको लिखेंगे, दो बार लिख सकते हैं, जो लिखना सिखा दिए शुरू में, ये एक्स से ई माइनस एक्स वाई में गुना होगा, ये माइनस वाई से ये एक्स वाई में गुना होगा। अब हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स एक्स का गुना, एक्स एक्स का गुना हो तो यहाँ घाते तो यहाँ घाते, एक्स स्क्वायर जोड़, ये जोड़ का चिन्ह तो देंगे नहीं, अब जरा समझ लेते हैं, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस एक्स वाई, माइनस प्लस तो लिखेंगे फिर माइनस एक्स वाई, अब माइनस माइनस प्लस तो प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जिस प्रकार इसको प्रूव किए, ये तोड़ के यानी ये तोड़ के हम ये तोड़ के ये लाए हैं और ये तोड़ के ये लाए हैं, इसी प्रकार इसको तोड़ के ये लाए हैं तो इसको तोड़ के भी ये ला सकते हैं, लेकिन ये सीखते हुए इसको तोड़ना एक अलग चैप्टर में ही जाकर पढ़ेंगे गुणनखंड, हमको इसको डिस्कस करके ये लाना है, इतने सारे समझे बातें को। अब आगे देखने इसको हम मिटाते हैं, तो अगर हम मिटा के देखते हैं, ये वाला लिखते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये को देखते हैं कैसे ये टूटता है, इसको हम एक्स देखिए जो अभी गुना किए ना वही बट माइनस है, इसमें एक माइनस में है और एक प्लस में, एक्स माइनस वाई, अब इसको बराबर कर एक्स एक्स को गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इससे गुना हो जाएगा माइनस एक्स वाई, इसको इससे गुना प्लस एक्स वाई, और इसको फिर इससे गुना तो माइनस वाई स्क्वायर, ये कट गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला को हम गणित में रखते हुए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सॉरी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ही फार्मूला है जो आप रटते रहते हैं। अब जरा इसको तोड़ के देखते हैं, एक्स ये वाला एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर हम निकाले थे क्या आया था, तो याद ही होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस टू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, इतने को तोड़ के इतना हमको आया था। अब यहाँ माइनस टू एक्स वाई है तो माइनस टू एक्स वाई, अब देखिए जितना आमदनी उतना खर्चा हो गया। अब चलिए, अब हम लोग को बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद पांचवा सब समीकरण हम क्या लिखे थे, ये वाले ये को जरा देख लेते हैं, यहाँ इस वाले को अरे बेसी लंबा लेंगे केवल बता देते,
इस वाले को उठा के यहाँ लाते, यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, यह इन्हें हम कैसे एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस वाई है, ये इसको तोड़ के हम लोग क्या लाए हैं, ये लाए, तो ये पूरा लाए हैं, तो ये पूरा यहाँ लिख लेते हैं इसके जगह पर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और जरा देखिए यहाँ क्या है प्लस टू एक्स वाई, टू एक्स, फिर जितना आमदनी उतना खर्चा करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात हम एक बार होल स्क्वायर को माइनस टू एक्स वाई से घटाते हैं तब पर भी यही आता है, और जोड़ते हैं तब पर भी यही आता है, ये सर्व समीकरण है। अब बहुत सारा ऐसा सर्व समीकरण हम लोग को सिद्ध करना है, बहुत सारा है, एक और सिद्ध करके देखते हैं अच्छे से उसको हम लोग, तो इसको देख लेना है, अच्छे से देख लेना है, जो भी हो फोटो तो कितना आराम से खींच, चलो अब हम आप लोग को ये कहेगा ये एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर जो आपका बराबर होता है, ये सॉरी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर और प्लस फोर ए बी हो जाता है, प्लस फोर ए बी होता है, ये फोर ए बी कहते हैं, प्लस एक्स वाई होता है, फोर ए बी कहा गया प्लस एक्स वाई, सर्व समीकरण के हिसाब से चलेंगे, ये क्वेश्चन है आप लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगले दिन देखेंगे, ये है यानी कि आप ये तोड़ के ये ला दीजिए या इसको तोड़ के ये लाना हम लोग को किसी हाल, यही दुविधा में पड़ते हैं, तो हम लोग इसी को तोड़ के देखते ही आता है पहले इसी को, तो इसको लिखते हैं हम लोग एल एच एस, समीकरण बनाए हैं इसको लिखते हैं आर एच एस, लिख लेते हैं यहाँ फ्रॉम एल एच आर एच एस, हमको लाना है एल एच एस, ठीक, हम देखिए एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई, ठीक, इसको जरा देख लेते हैं, ये वाले को तोड़ के आता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई लिखें, अब जरा देख लीजिए पल एक्स स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस फोर है और माइनस टू है, अंक को पहले घटा लेना, माइनस टू प्लस फोर, क्योंकि तीन रुपये आमदनी, तीन रुपया कर्जा, तीन रुपया खर्चा है, चार रुपया आमदनी है, तो ये दो रुपया बच जाता है, तो जो बच जाता है उसको दो लिखने, इसके साथ जो भी व्यंजक जो कहते हैं अलजेब्री लगल हुआ है ये चार वो लगा देंगे, और हम लोग लिख लेंगे वाई स्क्वायर, अब इसको हम लोग किस रूप में लिख लेंगे, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसमें एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई, इसमें प्लस वाई को कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस वाई, गुणनखंड कर रहे हैं गुणनखंड, फिर एक्स प्लस वाई, ये एक्स और ये प्लस वाई, इन दोनों में से एक एक्स प्लस, यही हम लोग का प्रोडक्ट होगा, बस यही इसका खेल है, और कोई चीज खेल नहीं है उतना, फिर क्या करेंगे। Thank you.